पाकि हुकूमत ने हज वाजिबात जमा करवाने की तारीख में एक रोज़ की तौसी कर दी है। कुरानदाजी में कामयाब होने वाले आजमीन आज भी वाजिबात जमा करवा सकते हैं। आपको बताएं कि वजारत मजहबी अमून ने जुमेरात जुमे को वाजिबात की तारीख दी थी। लाहौर से जाने वाले आजमीन को 7,55,000 रुपये जमा करवाना होगा, जबकि कुर्बानी के साथ आजमीन को 8,00,000 वाजिबात की मद में जमा करवाना होंगे। तो हज वाजिबात जमा करवाने की तारीख में एक रोज़ की तौसी की गई है। कुरानदाजी में कामयाब आजमीन आज वाजिबात जमा करवा सकते हैं। और वजारत मजहबी अमूर ने जुमेरात जुमे को वाजिबात की तारीख दी थी, जबकि एक और दिन दे दिया गया है। लाहौर से जाने वाले आजमीन को 7,55,000 रुपये जमा करवाना होगा। अगर कुर्बानी के साथ आजमीन को जाना है तो 8,00,000 वाजिबात की मद में जमा करवाना होंगे। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि हज वाजिबात जमा करवाने की तारीख में एक रोज़ की तौसी कर दी गई है। लाहौर से जाने वाले आजमीन को 7,55,000 रुपये जमा करवाना होगा, जबकि कुर्बानी के साथ आजमीन को 8,00,000 वाजिबात की मद में जमा करवाना होंगे। तो हज वाजिबात जमा करवाने की तारीख में एक रोज़ की तौसी की गई है। कुरानदाजी में कामयाब आजमीन आज वाजिबात जमा करवा सकते हैं। और वजारत मजहबी अमूर ने जुमेरात जुमे को वाजिबात की तारीख दी थी, जबकि एक और दिन दे दिया गया है। लाहौर से जाने वाले आजमीन को 7,55,000 रुपये जमा करवाना होगा। अगर कुर्बानी के साथ आजमीन को जाना है तो 8,00,000 वाजिबात की मद में जमा करवाना होंगे। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि हज वाजिबात जमा करवाने की तारीख में एक रोज़ की तौसी कर दी गई है।